लोकसभा चुनाव को लेकर के अलग अलग पार्टियों की रणनीति तैयारी होने लगी है और इसी के तहत एनडीए ने अपने सीटों का बंटवारा भी कर लिया, जिसमें भाजपा को 17 सीट, जदयू को 16 सीट, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट, चिराग पासवान को 5 सीट एवं हम यानी जीतनराम मांझी को 1 सीट मिलेगा। वहीं महागठबंधन ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस की बैठकें जारी है, महागठबंधन की बैठकें हो रही है और महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि हमारे यहाँ सब कुछ तय हो गया है, केवल घोषणा करना बाकी है। इसी बीच एक खबर आ रही है कि सासाराम सीट से विश्वनाथ राम की उम्मीदवारी लगभग तय है और इसको लेकर विश्वनाथ राम ने भी तैयारी करना शुरू कर दी है। विश्वनाथ राम का कहना है कि आला कमान का जो भी आदेश होगा हम तो तैयार हैं और हम पहले भी कहते थे कि हम जो चाहते हैं वो हो जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर देवी माँ की कृपा है और देवी माँ हमेशा हमारी सुनती है। अब देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है और पार्टी जो निर्णय लेगी, विश्वनाथ राम तो एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के नाते हम पहले भी कहते आए हैं कि पार्टी जो भी निर्देश करेगी उसका हम पालन करने के लिए तैयार हैं और आगे भी जो भी पार्टी हमें जहां खटाएगी, जहां हमको कहेगी काम करना है करेंगे। देखिए, हम माँ के भक्त हैं और जो भी अंदरूनी इच्छा होती है माँ करती है, माँ के भक्त हैं, माँ ही करती है। हम पहले भी आप लोगों के सामने कहे थे कि जब सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी में काम करता था, उस समय लोग पूछते थे कि विश्वनाथ जी अब क्या घूमने से फ़ायदा है, वो सीट जदयू के जिम्मे है, जदयू चुनाव लड़ेगा, जदयू सीटिंग है। तो हमने कहा था, उस समय भी कहा था कि आप लोग निश्चिंत रहिए, विश्वनाथ राम चुनाव लड़ेगा, चाहे जिस पार्टी से लड़े, जहाँ से लड़े, जैसे लड़े, ये माता रानी को देखना है। और आप लोगों ने देखा भी, वो माता रानी की वाणी और हमने जो कहा था वो वाणी सत्य हुई। तो आपने देखा कि विश्वनाथ राम काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और उनका दावा है कि महागठबंधन जहां 40 सीट जीतेगी उसमें एक सासाराम लोकसभा सीट होगा जिसको हम जीतेंगे। आपको बता दें कि विश्वनाथ राम कभी भाजपा के हुआ करते थे। 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव में वह कमल निशान पर वोट मांग रहे थे, हालांकि उस वक्त जदयू के नेता संतोष निराला ने उन्हें काफी मतों के अंतर से हरा दिया था, 32,000 वोटों का अंतर था। लेकिन ठीक 5 साल बाद जब 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव होना था तो चुनाव से ठीक पहले विश्वनाथ राम ने पाला बदल लिया और भाजपा छोड़ के कांग्रेस से हाथ मिला लिया। इस बार फिर संतोष निराला सामने थे, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ा। संतोष निराला 20,000 वोट से हार गए और विश्वनाथ राम 20,000 वोट से जीतकर बिहार विधानसभा पहुंच गए। लेकिन इस बार यह कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा से भी विश्वनाथ राम को लोकसभा भेजने की तैयारी है। देखिए, आधिकारिक तौर पर आपने दूसरी बात कह दी, पार्टी को आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाने दीजिए। हम लोग जो उसको पार्टी वहाँ टिकट दे के सिंबल दे के भेजेगी, हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरे बिहार में महागठबंधन की जीत हो। और एक ही सीट हम सासाराम ही नहीं कह सकते और बक्सर ही नहीं कह सकते, हम पूरे बिहार के 400 सीट की दावा करते हैं कि महागठबंधन सरकार बनाए जीतेगी। 440 सीट जीतने का प्रयास हम लोग इसलिए करते हैं कि हमने काम पर भरोसा किया है, 17 महीने में हमने जो किया। कुछ दिन पहले ही जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा था तब महागठबंधन के कई विधायकों को भाजपा कोशिश कर रही थी कि अपने खेमा में ले लिया जाए और उसी वक्त कुछ विधायक एनडीए में शामिल भी हो गए थे, जिससे राजद के विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे। उस समय विश्वनाथ राम का नाम भी उछला था और कहा जा रहा था कि भाजपा के नेताओं के संपर्क में कांग्रेस के विधायक विश्वनाथ राम भी है। अब इस बात की पुष्टि तब और हो जाती है जब विश्वनाथ राम ने खुद कहा कि हमें भी पैसा देने की कोशिश किया गया, हमें लालच देने की कोशिश की गई, इसलिए कि हम बहुत पुराने कांग्रेसी नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितने दिन से हम हैं निष्ठा के साथ हैं और हमें भी बहुतेरे लोगों ने पिछले देखा है, आप लोगों ने जो 20 दिन पहले जो सर बिहार में जो हुआ है, हम भी उसे अछूते नहीं हैं, हमें भी घेर बांध के करने का प्रयास किया गया। लेकिन हम कहते हैं कि मेरे पिताजी को भी, जब आप लोगों को याद नहीं होगा मैं पीछे जा रहा हूँ, 1985-86 में जब मेरे पिताजी विधायक थे, भाजपा 2 टुकड़े में बटी थी उस समय, और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरे पिताजी को खरीदने का प्रयास किया था, लेकिन मेरे पिताजी ने उस समय भी नहीं बिके। तो हम उनके वंशज हैं और हम कहाँ बिकने वाले हैं, हम पार्टी के असूल के साथ, पार्टी के सिद्धांतों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और पार्टी के हर सिद्धांतों को पालन करने का काम, और अक्षरशः उसे अपने विधानसभा हो या चाहे पार्लियामेंट का क्षेत्र हो, जहां भी हो, पूरे बिहार में हो, उसे हम
अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है कि कांग्रेस के एक नेता को, कांग्रेस के एक विधायक को लोकसभा का सीट लगभग कंफर्म माना जा रहा है। तो हम पहले भी कहते हैं कि हम जो कहते हैं माता रानी के भक्त हैं, भक्त हैं, उनके नाते हमें कुछ बातें आ जाती है वो शायद माता रानी की कृपा से सत्य हो जाती है, माता रानी की कृपा है। लेकिन हम जो कहते हैं यदि ये बात सत्य हुई तो ये भी मान लीजिए कि सासाराम सीट आपके महागठबंधन की झोली में जीत के दिखाएंगे।